तो भाई जैसे जैसे टेक्नोलॉजी पुराना होता जाता है उसमें जो अपडेट्स है और जो इम्प्रूवमेंट है वो होते रहते हैं। और आजकल के हमारे मोबाइल फ़ोन बैटरीज के जो टेक्नोलॉजी है उसमें मेनली दो तरीके का जो बैटरीज टेक्नोलॉजी है वो काम कर रहे हैं। सबसे पहला बैटरी टेक्नोलॉजी है वो है लिथियम आयन बैटरी, दूसरा टेक्नोलॉजी है लिथियम पॉलीमर बैटरी। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि लिथियम आयन और लिथियम पॉलीमर दोनों टेक्नोलॉजी के बैटरी में जो है क्या क्या डिफरेंस होते हैं, और आज की डेट पे आप अगर अपना कोई भी स्मार्टफोन का जो बैटरी है उसको चेंज करवाने के लिए जाते हो तो आपके लिए कौन सा टेक्नोलॉजी का बैटरी का लगाना आपके लिए बेहतर होगा, इसके बारे में बात करेंगे। और आप ये मत सोचना कि आपको जो आपके फ़ोन में लिथियम आयन बैटरी है तो आप लिथियम आयन ही बैटरी आप लगाओ, आप लिथियम पॉलीमर बैटरी भी लगा सकते हो। और आपके पास में लिथियम पॉलीमर बैटरी आपके फ़ोन में लगा हुआ है तो आप लिथियम आयन बैटरी भी उसमें जो है लगा सकते हो। तो दोनों टेक्नोलॉजी को समझना और दोनों का बेनिफिट्स को लेना ये आपके ऊपर में है। और आप अगर एक मोबाइल रिपेयरिंग इंडस्ट्री में काम करते हो, शॉप वगैरह आपके पास में है, तो आपके लिए ये जो वीडियो है इस टेक्नोलॉजी को समझना आपके लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि दोनों टेक्नोलॉजी के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। सो भाई सबसे पहले हम बात करेंगे लिथियम आयन और लिथियम पॉलीमर बैटरी के जो डिफरेंसेस है उसमें कैसे आप पता कर सकते हो कि कौन सा लिथियम आयन और कौन सा लिथियम पॉलीमर बैटरी है। तो इस चीज़ को जो है समझने का सबसे ज़्यादा जो आसान तरीका है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, तो देखो कोई भी बैटरी अगर हार्ड मटेरियल से बना हुआ है ना तो वो लिथियम आयन बैटरी है, और कोई भी बैटरी अगर सॉफ्ट मटेरियल से बना हुआ है तो वो लिथियम पॉलीमर बैटरी है। लिथियम आयन बैटरी जो है काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है और उसका जो शेप है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। और आप अगर कोई भी लिथियम आयन बैटरी को हाथ में धर रखोगे इस तरीके से, आप अगर उसे मोड़ने की कोशिश करोगे या फिर हाथ में ऐसे आप अगर रखोगे तो आपको लोखंड की तरह लगेगा और आपको काफी ज्यादा हार्ड फील होगा, वो लिथियम आयन बैटरी है। और ऊपर में तो लिखा ही होता है लिथियम आयन है या फिर लिथियम पॉलीमर है, बाकी बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको बता रहा हूं। और लिथियम आयन बैटरी जो है काफी ज्यादा हार्ड होता है और ठीक उसका अपोजिट लिथियम जो पॉलीमर बैटरी होता है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है, और वो जो बैटरी है उसको आप अगर हाथ में रखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितना ज्यादा सॉफ्ट है। और उस बैटरी को जो है कोई भी शेप में आप कन्वर्ट कर सकते हो। आप अगर उसे दोनों हाथ से इस तरीके से मोड़ोगे तो भी आप उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको भी देख सकते हो, क्योंकि लिथियम पॉलीमर बैटरी के अंदर में जो जेल अमाउंट है वो होता है, जेल टेक्नोलॉजी होता है उसके अंदर में, एक तरीके का जो है जेल होता है, और उसकी वजह से जो लिथियम पॉलीमर बैटरी है वो मुड़ जाता है और वो उसका जो शेप है उसे भी चेंज किया जा सकता है। तो ये है उसका बेस्ट तरीका जिससे कि आप फाइंड कर सकते हो, बाकी ऊपर में तो उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो तो लिखा होता ही है। अभी हम बात करते हैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कि लिथियम आयन बैटरी और लिथियम पॉलीमर बैटरी दोनों में क्या क्या सेफ्टी गाइडलाइन से रिलेटेड कौन सा जो है बेटर है। तो अगर हम बात करें लिथियम आयन बैटरी के बारे में, तो लिथियम आयन बैटरी अगर इनकेस किसी भी तरीके से वो डैमेज होता है तो उसमें जो है ब्लास्टिंग होने का चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, उसमें जो फायर लगने का चांसेस, आग लगने का जो चांसेस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए लिथियम आयन बैटरी को आप अगर किसी भी तरीके से डैमेज करोगे, चाहे उसमें लीकेज करोगे, उसे मोड़ दोगे या फिर किसी भी तरीके से उसमें शॉर्ट सर्किट होता है, कुछ भी उसमें डैमेज होता है, तो उसमें तुरंत ही जो है आग लग जाता है और जो बैटरी है वो तो फट जाता है, ठीक है। ठीक उसका ऑपोजिट अगर लिथियम पॉलीमर की बात करें, तो लिथियम पॉलीमर बैटरी अगर किसी भी तरीके से डैमेज होता है तो उसका जो जेल अमाउंट है वो लीक हो जाता है और जो बैटरी है वो खराब हो जाता है, उसमें आग लगने का चांसेस या फिर ब्लास्टिंग होने का चांसेस जो है काफी हद तक कम हो जाता है अगर जो लिथियम आयन बैटरी है उसके मुकाबले बात करें तो। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जो लिथियम पॉलीमर टेक्नोलॉजी है वो काफी ज्यादा इंप्रूव है। अभी हम बात करते हैं चार्जिंग पॉइंट और स्टैंड बाय पॉइंट के ऊपर में। तो लिथियम आयन बैटरी की बात करें या फिर लिथियम पॉलीमर बैटरी की बात करें, तो दोनों का जो चार्जिंग साइकिल है वो बिल्कुल सेम है मोबाइल फोन बैटरीज को लेके। 300 से 500 चार्जिंग साइकिल को तक जो बैटरी है वो अपना 100% हेल्थ मेंटेन करके रखते हैं। चार्जिंग साइकिल आपको नहीं पता है तो आप अगर जो लिथियम आयन हो या फिर जो लिथियम पॉलीमर हो बैटरी हो उसको 300 से 500 बार तक चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कर सकते हो, ठीक है। ये आप एक दिन में भी कर सकते हो और 5 साल में भी कर सकते हो, ठीक है। तो उतना चार्जिंग साइकिल तक ही दोनों बैटरीज का हेल्थ जो है प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहता है, उसके बाद में उन दोनों बैटरीज का जो हेल्थ है वो डाउनग्रेड होने लग जाता है। अगर हम बात करें स्टैंड बाय चार्जिंग वोल्टेज के बारे में, तो लिथियम आयन बैटरी और लिथियम पॉलीमर बैटरी दोनों का जो स्टैंड बाय वोल्टेज है वो काफ़ी अच्छा रहता है,
बट आप अगर लिथियम आयन बैटरी फोन को यूज कर रहे हो और आपका फोन अगर स्टैंड बाय मोड पे रखा है 5 दिन 6 दिन के लिए, तो ऑटोमेटिकली उसका जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो जाता है और डिस्चार्ज होकर 0 पॉइंट के ऊपर में जो है स्टॉक हो जाता है। ठीक है, आपने कीपैड वाला कीपैड फोन देखा होगा माइक्रोमैक्स का या फिर सैमसंग वगैरह का, जिसमें लिथियम आयन बैटरी आते हैं, उसको आप अगर 2-3 महीना रख दोगे तो उसका जो बैटरी है वो 0% पे डाउनग्रेड हो जाएगा और उसके बाद में जो बैटरी है वो खराब भी हो जाता है। ठीक उसी तरीके का अगर हम जो स्टैंड बाय मोड के ऊपर में लिथियम पॉलीमर बैटरी को रखें तो वो 0% के ऊपर में डाउनग्रेड नहीं होता है, यानी वो अपना जो डिस्चार्ज चार्जिंग है वो 0% के ऊपर में डाउनग्रेड नहीं करता है, अपने पास में जो चार्जिंग है उसको काफी लॉन्ग टाइम तक जो है स्टोर करके रखता है। तो ये जो चार्जिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो जो लिथियम पॉलीमर बैटरी है वो काफी अच्छा यहाँ पे निकल जाता है। सो भाई अभी हम बात करते हैं इसका जो फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी है उसके बारे में। तो देखो लिथियम आयन बैटरी के ऊपर में जो 50 वाट, 60 वाट, 65 वाट या फिर 120 वाट का जो फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी है उसको जो है लिथियम आयन बैटरी के ऊपर में जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो लिथियम आयन बैटरी है वो थ्रॉटल करता है तो उसमें जो है ब्लास्ट होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी वजह से अगर कोई भी फोन में फास्ट चार्जिंग है तो उसमें जो है लिथियम पॉलीमर बैटरी को यूज किया जाता है, और उसमें उसका ये मतलब है कि जो लिथियम पॉलीमर बैटरी है वो थ्रॉटल करने के बाद में भी अपने आप को जो है हील कर लेता है, अपना जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू है लिथियम पॉलीमर बैटरी उसको मेंटेन करके रखता है। इसी वजह से जो लिथियम पॉलीमर बैटरी है वो फास्ट चार्जिंग में भी आगे निकल जाता है। अभी हम बात करते हैं एक्सपेंसिव और लाइट वेट के बारे में। तो देखो जो लिथियम आयन बैटरी होता है ना वो काफी ज्यादा यहाँ पे उसका वेट होता है, ठीक है, उसका थोड़ा सा वेट होता है, और वही साइज का जो लिथियम पॉलीमर बैटरी है उसका जो वेट है वो काफी ज्यादा लाइट वेट होता है। ठीक है, तो लिथियम आयन बैटरी थोड़ा सा वजनदार होता है और जो लिथियम पॉलीमर बैटरी है वो थोड़ा सा हल्का होता है। ठीक है, बट क्वालिटी दोनों का सेम होता है। अगर हम बात करें उसका जो प्राइसिंग पॉइंट है उसके बारे में, तो देखो जो लिथियम आयन बैटरी है ना वो थोड़े से सस्ते प्राइस के ऊपर में आपको मिल जाएंगे, चाहे वो ओरिजिनल हो, कॉपी हो, कुछ भी हो। ठीक है, और उसी जगह पे जो लिथियम पॉलीमर बैटरी है वो चाहे आप कॉपी खरीदो या फिर ओरिजिनल खरीदो वो थोड़ा सा जो है महंगा आपको पड़ता है। और मार्केट में एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो मार्केट में कोई भी स्मार्टफोन का जो लिथियम आयन बैटरी भी अवेलेबल है और लिथियम पॉलीमर बैटरी भी अवेलेबल है, चाहे आप जो है सैमसंग का जो छोटा वाला गुरु फोन हो उसके लिए आप खरीदो बैटरी या फिर सैमसंग S23 Ultra के लिए खरीदो, दोनों फोन के लिए जो बैटरी मार्केट में अवेलेबल है वो लिथियम आयन भी है, लिथियम पॉलीमर भी है। बट आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सा बैटरी को जो है अपने फोन में इंप्लीमेंट करवाना है इनकेस अगर आपका बैटरी खराब होता है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आपके फोन में जो बैटरी पहले से है उसको ही आप उसमें जो है लगाओ, आपका बैटरी जो है अच्छा चलने वाला है। तो ये थे कुछ जो है डिफरेंसेस लिथियम आयन और लिथियम पॉलीमर टेक्नोलॉजी के बारे में। टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखें तो लिथियम पॉलीमर जो है बैटरी है वो काफी अच्छा है। तो गाइस उम्मीद है आपको ये जो वीडियो है इसमें पता चल गया होगा कि लिथियम आयन बैटरी और लिथियम पॉलीमर बैटरी के बीच में क्या क्या डिफरेंस है और आपको कौन सा बैटरी को जो है चूज करना है। बाकी इस वीडियो में कुछ रह गया है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो गाइस मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग सा वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।